नमस्कार, मैं आयुषी जोशी अचीव IAS द्वारा प्रस्तुत समसामयिकी विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है संशोधित गर्भपात विधेयक बिल 2020। ये बिल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस बिल के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 1971 में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। इस बिल के तहत प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के जो सप्ताह अर्थात गर्भपात के जो सप्ताह 20 निर्धारित किए गए हैं 1971 के एक्ट के तहत, अब उन्हें बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। ये 24 सप्ताह करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि हाल ही में हुए कई सारे अनुसंधानों द्वारा ये पाया गया है कि गर्भपात कराने हेतु 20 महीनों के भीतर गर्भपात कराने वाली महिलाओं की उम्र को अथवा जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अधिकतर महिलाएं अपनी जानें गंवा चुकी हैं इस 20 सप्ताह के कार्यकाल के दौरान। अर्थात इस सप्ताह को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण है महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो यह है कि अब इस क्षेत्र में अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात हेतु एक वैध अनुमति दी गई है। अर्थात इससे पहले 1971 के एक्ट के तहत सिर्फ विवाहित महिलाएं ही गर्भपात करवा सकती थी, लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा अब अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करवा पाएंगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नॉर्म्स और रेगुलेशंस अर्थात नियमों के तहत यह प्रावधान अविवाहित महिलाओं के लिए भी लागू किया गया है। ये प्रावधान मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय से इस प्रावधान में इस एक्ट के तहत परिवर्तन करने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा इसे मंजूरी नहीं मिल रही थी। परंतु हाल ही में मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा केंद्रीय बजट सेशन की चर्चा के तहत ये घोषणा की गई है। साथ ही गर्भपात कराने वाले व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा की भी का भी प्रावधान लाया गया है। आइए बात करते हैं किन आधारों पर इसे लागू किया जाना चाहिए, अर्थात किन कारणों के चलते हमें इस बिल को मंजूरी देने की हाँ भरनी पड़ी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों और कई मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श के बाद गर्भावस्था के बिल को समाप्त करने में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, गर्भपात सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हाल ही में महिलाओं के सामने आने वाली यौन हिंसा के कारण भ्रूण की असामान्यता या गर्भधारण के आधार पर वर्तमान अनुमेय सीमा से परे एक गर्भकालीन उम्र में गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों में कई याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहला कारण तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा। दूसरा कारण है यौन हिंसा जो कि अभी सामने आ रही है। गर्भपात है तो इन दो पृष्ठभूमि के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। आइए बात करते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 में क्या बदलाव लाता है, अर्थात 2020 में इस विधेयक के तहत क्या जो संशोधन किया जाएगा वो क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। तो सबसे पहले तो अधिकतम अनुमेय गर्भपात के लिए जो अधिकतम अनुमेय सीमा है उसे 24 सप्ताह कर दिया गया है, जो पहले 20 सप्ताह थी। इन 4 सप्ताह को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा। अच्छा, इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी रखे गए, अर्थात 20 से 24 वर्ष 24 सप्ताह के मध्य, अर्थात ये 4 सप्ताह के मध्य यदि कोई भी गर्भपात करवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले 2 डॉक्टरों से जो कि सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, उनसे राय लेना या अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा यह विशेष रूप से बलात्कार से बचे लोगों, अनाचार व अन्य कमज़ोर वर्ग के शिकार सहित कमज़ोर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके तहत कई सारे ऐसे लोगों को पाया गया है, ऐसी महिलाओं को पाया गया है जो कई सारे अनाचार, दुराचार या यौन शोषण से पीड़ित होने के बावजूद भी गर्भपात करवाने में असमर्थ थीं। मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान किए गए पर्याप्त भ्रूण असामान्यता के मामलों में ऊपरी गर्भधारण की सीमा लागू नहीं की गई है।
मेडिकल बोर्ड की संरचना, कार्य व अन्य विवरण जो है वो नियमित नियमों के निर्धारण के आधार पर अधिनियम में किए जाएंगे। इस तरह के मामलों को अदालत से बाहर रखने के लिए यह खंड तैयार किया गया है। सरकार ने माना कि मेडिकल बोर्ड को मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करनी चाहिए और फोन करना चाहिए, अर्थात मेडिकल बोर्ड इस तरह के मैटर्स को अब ध्यान में रखेगा और इसके तहत जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में शेयर की जाएगी। इस विधेयक के मूल मसौदे में केवल विवाहित महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक विफलता खंड को शामिल किया गया था, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब महसूस किया है। अविवाहित महिलाओं को छोड़ दिया गया जिन पर गर्भपात के लिए सामाजिक दबाव अधिक तीव्र थे। देखिए, बेसिकली होता यह है कि अविवाहित महिलाएं जो यौन शोषण या कई तरह की दूसरे कारणों से गर्भवती हो जाती हैं, वो गर्भपात करवाने के लिए जब भी अनुमति मांगती थी अब से पहले, इस बिल से पहले, तो उन्हें 1971 के गर्भपात अधिनियम का हवाला देकर मना कर दिया जा रहा, सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिलती थी। परंतु अब इस बिल के पास होने के बाद अविवाहित महिलाएं जो कि या अविवाहित लड़कियां जो यौन उत्पीड़न या यौन शोषण से हाल ही में बाहर आई हैं और गर्भपात करवाना चाहती हैं, वो अब इस एक्ट के तहत उन्हें मंजूरी दी गई है, अर्थात वो अब वैध घोषित किया गया है। आइए बात करते हैं कानून में बदलाव महत्वपूर्ण क्यों है, इस कानून को क्यों महत्वपूर्ण बदलाव दिया गया। तो देखिए, भारत में गर्भ निरोधक जो है उनको सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, कंटिन्यूसली सरकार इसे एक सर्टिफाइड कर रही है। अर्थात सरकार ने गर्भ निरोधक को हाल ही में ऐसे कई सारे प्रोडक्शन या प्रिकॉशन जो है वो टेलीविजन पर भी फोरकास्ट किए जा रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि उन्हें सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, परंतु फिर भी अभी भी लोगों के मध्य बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है। गुटमाकर संस्था ने 2018 में एक अध्ययन किया जिसके तहत 6 बड़े भारतीय राज्यों असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 50% गर्भधारण अनपेक्षित हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़े बताते हैं कि देश में सिर्फ 8% जोड़े ही आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, केवल 53% किसी भी विधि का उपयोग करते हैं। यह पाया गया है कि असम में 55% गर्भधारण, बिहार में 48%, गुजरात में 53%, मध्य प्रदेश में 50%, तमिलनाडु में 73% तथा उत्तर प्रदेश में 49% अनपेक्षित हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। आइए बात करते हैं अगले गुटमाकर इंस्टीट्यूट और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा द लेसेंट में प्रकाशित 2016 के एक अध्ययन के अनुसार 2010 से 2014 के बीच हर साल अनुमानित रूप से 56 मिलियन गर्भपात हुए हैं। 2015 में गुटेनमर इंस्टीट्यूट एंड IIPS द्वारा द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में एक अध्ययन में अनुमान लगाया है कि 2015 में भारत में 15.6 मिलियन गर्भपात किए गए थे। यह 15 से 49 आयु वर्ग की 47 प्रति 1000 महिलाओं की गर्भपात दर का अनुवाद करता है, जो हमारे पड़ोसी देशों में गर्भपात दर के समान है। असम में गर्भधारण की संख्या 143,000 से लेकर उत्तर प्रदेश में 10,026,000 तक थी। अनपेक्षित गर्भधारण का अनुमान महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से कई गर्भपात के परिणाम स्वरूप होते हैं और सस्ती और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के संकेतकों में से एक है। आइए बात करते हैं अधिकार के विषय के बारे में। MTP अधिनियम 1971 अस्पष्ट भाषा से भरा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टरों ने निर्धारित 30-20 सप्ताह को गर्भधारण सीमा के भीतर भी गर्भपात करने से मना कर दिया गया था। महिलाओं को न्यायपालिका की मंजूरी लेनी थी, जो कि ज़्यादातर खातों में हमेशा समय पर नहीं आती। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि आपको डॉक्टर द्वारा गर्भपात के लिए मना करवा कर दिया जा रहा है, उसके बाद में आपको ये कहा जा रहा है कि आप जाके न्यायपालिका से मंजूरी लीजिए, जो कि डेफिनेटली कोर्ट जाना, कोर्ट से इस चीज़ के लिए मंजूरी लेना
और कोर्ट में पेश करना अपने मामले को, उसके बाद में मंजूरी का इंतज़ार करना, तब तक एक बहुत लंबा 20 सप्ताह का समय निकल जाता है, एक बहुत लंबा समय निकल जाता है, जिसके बाद ये करवा पाना मुश्किल हो जाता था। परिणाम के रूप में इंडिया जनरल ऑफ मेडिकल एथिक्स में 2015 के एक अध्ययन में नोट किया गया है कि भारत में मातृ मृत्यु दर 10 से 13% असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। प्रस्तावित कानून का परिचय एमटीपी बिल 2020 मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगा। गर्भावधि को 24 सप्ताह से बढ़ाना इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधनों में कुछ उपवर्गों का प्रतिस्थापन शामिल है। मौजूदा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में कुछ धाराओं के तहत, कुछ शर्तों के तहत गर्भावस्था की समाप्ति के लिए ऊपरी गर्भधारण की सीमा को बढ़ाने के लिए और पहुंच को मजबूत करने के लिए इस एक्ट की ज़रूरत या इस अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। व्यापक गर्भपात देखभाल सख्त शर्तों के तहत सेवा और सुरक्षित गर्भपात की गुणवत्ता से समझौते किए बिना इस एक्ट की या इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित विधेयक में चिंताएं क्या क्या हैं? एमटीपी अधिनियम 1971 की आलोचनाओं में से एक यह था कि यह चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ तालमेल करने में विफल रहा, जो गर्भावस्था की अपेक्षाकृत उन्नत स्थिति में भ्रूण को हटाने की अनुमति देता है। इसके अलावा 20वें सप्ताह के बाद भ्रूण की असामान्यताओं की संख्या का पता लगाया जा सकता है, जो अक्सर एक वांछित गर्भावस्था को अवांछित में बदल देता है। प्रस्तावित एमटीपी कानून ऐसी चिकित्सा जटिलताओं को संबोधित करने का इरादा रखता है। इस तरह के मामलों को अगर देखा जाए तो ऐसी चिंता है कि एक अधिक उदार गर्भपात कानून इस राज्य के मामलों को बढ़ा सकता है। इस तरह की तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए महिला केंद्रित होने का प्रस्ताव एमटीपी कानून के दावों का लिटमस टेस्ट करवाता है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार 59 देशों ने वैकल्पिक गर्भपात की अनुमति दी, जिनमें से केवल 7 ने कनाडा, सात वो 7 जो देश हैं वो हैं कनाडा, चीन, नीदरलैंड, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, यूएसए और वियतनाम। इन्होंने 20 सप्ताह के बाद प्रक्रिया की अनुमति दे दी है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 महिलाओं के लिए चिकित्सकीय, यूजेनिक, मानवीय या सामाजिक सुधार पर सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए बनाया गया है। यह महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे कई महिलाएं लाभान्वित होगी। हाल ही में महिलाओं द्वारा सामना किया गया कि यौन हिंसा के कारण भ्रूण की असामान्यता और गर्भधारण के आधार पर वर्तमान अनुमति सीमा से परे एक गर्भकालीन उम्र में गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों द्वारा कई याचिकाएं प्राप्त की गई थीं। गर्भकालीन आयु में प्रस्तावित वृद्धि गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और अन्य चीज़ें, कई सारी न्याय से संबंधित चीजों को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।